हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। जैसे चेस्ट है 34 इंचेस, लंबाई है 13.5 इंच, गला फ्रंट साइड का 5.5 इंच, बैक साइड का 8.5 इंच, शोल्डर है हमारा 11 इंच। अब यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है। पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई लेते हैं। जैसे लंबाई हमारी 13.5 इंच, तो हम 14.5 इंच लेंगे। यहाँ पर हम 14.5 इंच पर एक मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 लेना है, 8.5 इंच। इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है। अभी यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो पेपर है उसे हम कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये जो है ये हमारी चौड़ाई है और यहाँ पे ये जो है ये हमारी लंबाई है। अभी यहाँ हमें 2.5 इंच पे गले का मार्किंग करना है। शोल्डर है हमारा 11 इंच, शोल्डर का हम हाफ लेते हैं यानी कि 5.5 इंच। चेस्ट का 1/4 लिया हमने, 8.5 इंच, और इसके आगे हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया है। अभी यहाँ पर हमें आर्मोल लेना है 6 इंच, इस तरह से आर्मोल का एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हमें फ्रंट साइड का नेक है 5.5 इंच, 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से अभी यहाँ पे हमें फ्रंट साइड की गोलाई जो है वो देनी है। जैसे फ्रंट साइड की गोलाई देंगे हम 1.5 इंच पे, इस तरह से हमें इसको राउंड शेप देना है। यहाँ पे भी हमें गले के लिए राउंड शेप देना है। अभी यहाँ पे हमें जैसे क्रॉस पट्टी वाला हम बेल्ट ब्लाउज जो है वो बनाते हैं, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, 3 या 3.5। आपको क्रॉस पट्टी छोटी चाहिए तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 इंच लिया और इस साइड में आपको 2.5 इंच लेना है। जैसे आपको क्रॉस पट्टी ज़्यादा चाहिए, थोड़ी बड़ी चाहिए, तो आप 3.5 इंच इस साइड में लेना है और 3 इंच इस साइड में लेना है। लेकिन यहाँ पे हमने 3 इंच लिया है। इस तरह से हमने ये क्रॉस पट्टी का जो शेप है वो देते हैं। अब इस साइड से आपको 4 या 4.5 इंच लेना है। जैसे 4 साढ़े 4 इंच लेंगे तो भी चलता है। इसके आगे हमें 2.5 इंच लेना है, ये हमारा टक्स पॉइंट है। जैसे इस साइड में हमारा 1 इंच आएगा और इस साइड में हमारा 1 इंच आएगा। यहाँ पे हमारा ये टक्स पॉइंट निकलता है। अभी इसके आगे हमें 2 इंच लेना है। यहाँ पे हमारा तिरछा इस तरह से ये टक्स पॉइंट आएगा। इसके आगे हमें 2 इंच लेना है। ये जो है ये हमारा क्रॉस आर्मोल में आएगा। यहाँ पे भी हमें 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये भी थोड़ा सा तिरछा इस तरह से आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये फ्रंट साइड का टक्स कैसे लगाना है और ये फ्रंट साइड की कटिंग आपको दिखाई है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये फ्रंट साइड की कटिंग की है। यहाँ पे हमारी ये फ्रंट साइड जो है ये इस तरह से आती है। अब बैक साइड जो है बैक साइड निकालेंगे। जैसे लंबाई है हमारी 13.5 इंच, तो हम 14.5 इंच लेते हैं। 14.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। चेस्ट का 1/4 है हमारा 8.5 इंच। इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है।
यहाँ पे भी हमें चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच लेना है, और जो एक्स्ट्रा है पेपर उसको हम कट करेंगे। इस तरह से हमने इसको कट किया है। जैसे ये हमारी बैक साइड है तो लंबाई प्लस 1 इंच हमने लिया है। यहाँ पे भी हमें इसी तरह से करना है, जैसे 2.5 इंच पे गले का मार्किंग करना है। शोल्डर का 1/2 लेते हैं हम 5.5 इंच, चेस्ट का 1/4 लेते हैं हम 8.5 इंच, इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है। जैसे ये आर्महोल जो है ये लेंगे हम 6 इंच पे, बैक साइड का गला जो है वो लेते हैं हम 8.5 इंच पे, यहाँ पे हमें आर्महोल जो है वो लेना है 2 इंच पे। इस तरह से हमें इसको आर्महोल का जो शेप है वो देना है। यहाँ पे भी हमें गले के लिए इस तरह से ये राउंड शेप देना है। तो यहाँ हमने ये बैक साइड जो है वो कट की है। इस तरह से हमने ये बैक साइड जो है वो कट की है। अब यहाँ पे हमें जब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तब हमें ये आर्महोल जो है ये क्रॉस में नापना पड़ता है। यहाँ पे ये 7.5 इंच हमारा क्रॉस में आर्महोल आता है। अभी यहाँ पे हमें इस तरह से पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जैसे 7.5 इंच हमारा आर्महोल आया था तो 1/2 इंच इसमें प्लस करना है। जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करेंगे। यहाँ पे हमें जैसे स्लीव्स की जितनी आपकी लंबाई होगी उतनी आपको लेनी है। जैसे 5.5 इंच आपकी लंबाई है तो इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है। यहाँ पे हमें इस तरह से एक्स्ट्रा जो है ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट करेंगे, और यहाँ पे हमारी ये फोल्ड पट्टी आएगी। यहाँ पे हमें 3 इंच लेना है, 3 इंच। यहाँ पे हमें 1 इंच सीधा लेना है, और यहाँ भी हमें 1 इंच सीधा लेना है। और ये जो बाजू का शेप है वो देते हैं। इस तरह से हमें ये दूसरा शेप जो है इस तरह से देंगे। अभी यहाँ पे हमें बॉटम जो है जितना आपका बॉटम होगा, जैसे 5.5 इंच आपका बॉटम है तो इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है। जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम पहले कट करेंगे। यहाँ पे भी हमें फ्रंट साइड की जो गोलाई है उसे कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये स्लीव्स की कटिंग जो है वो की है। अभी यहाँ पे मैंने आपको ये सिंपल ब्लाउज यानी कि बेल्ट ब्लाउज जो है वो उसकी कटिंग मैंने आपको करके दिखाई है। ये हमारी स्लीव्स है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिंपल ब्लाउज भी बोलते हैं उसको, और फोर टक्स ब्लाउज भी बोलते हैं, और यहाँ पे हमने ये क्रॉस पट्टी निकाली है तो बेल्ट ब्लाउज वो बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बेल्ट ब्लाउज की कटिंग आपको करके दिखाई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे, जब हम कपड़े के ऊपर कट करते हैं तो ये जो फ्रंट साइड का जो पोर्शन होता है हमारा, ये जो फ्रंट साइड है हमारी, इसको क्या करना है, जैसे 1/2 इंच इस साइड में लेना है और
डेढ़ इंच इस साइड में लेना है। जब हम कपड़े के ऊपर इस साइड में आप डेढ़ इंच लेना है, एक साइड में लगाएंगे, एक साइड में बढ़ाएंगे तो भी चलता है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हमारा ये टक्स पॉइंट आता है। टक्स पॉइंट के लिए हमें जब हम कपड़े के ऊपर रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस साइड में आपको डेढ़ इंच लेना है और इस साइड में आपको आधा इंच। इस साइड में आधा इंच नहीं लेंगे तो भी चलता है, लेकिन इस साइड में आपको जैसे चेस्ट का 1/4 प्लस डेढ़ इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है और उसके आगे हमें टक्स पॉइंट के लिए डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से आपको ये कटिंग जो है वो कपड़े के ऊपर करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपल सा ब्लाउज कट करके दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।